ऑपरेशन तमंचा अभियान पर एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा कि जोन के सभी थाना क्षेत्रों में ऑपरेशन तमंचा अभियान के तहत तमंचा के प्रचलन पर रोक लगाया जा रहा है और प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्र में कौन कौन व्यक्ति तमंचा रख रहा है इसकी जानकारी की जा रही है तथा सोशल मीडिया पर भी निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जोन के सभी थाना अध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि गांव के प्रधानों से संपर्क करके गांव में तमंचा रखने वाले व्यक्तियों के ऊपर कार्रवाई हो तथा यह भी पता लगाया जाए कि तमंचा व कारतूस कहां से आ रहा है, उस सोर्स की भी जानकारी की जाए। उन्होंने कहा यह भी पता लगाया जा रहा है कि तमंचा कौन बना रहा है और कहां से आ रहा है तथा किस क्षेत्र के लोग तमंचा सप्लाई कर रहे हैं तथा इसके सप्लाई पर रोक लगे जिससे लोगों के अंदर डर पैदा हो कि तमंचा रखेंगे तो पुलिस पकड़कर कार्रवाई करेगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने कहा, जैसे ऑपरेशन तमंचा के तहत हम लोग क्षेत्र में तमंचा के प्रचलन पर रोक लगाने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि क्षेत्र में अभिसूचना संकलन किया जाए कि कौन लोग तमंचा रखते हैं, सोशल मीडिया पे वॉच किया जाए, गांवों में प्रधानों से अन्य लोगों से संबंधित संपर्क करके ये पता लगा जाए कि तमंचा कौन रख रहा है और उसको उसके ऊपर कार्रवाई हो। इसमें दो बिंदु हैं, ना केवल तमंचा बल्कि कारतूस पे भी कार्रवाई होगी और ये तमंचा और कारतूस कहाँ से आ रहे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। अभी तक तमंचा मिलते हैं और ये मान लिया जाता है कि बस मिल लिया और उसको बंद कर दो, ये कार्रवाई वहाँ नहीं रुकी रुक रही है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तमंचा बना कौन रहा है, ये आ कहाँ से रहे हैं, किस क्षेत्र से लोग इसको सप्लाई कर रहे हैं और इसकी सप्लाई पर रोक लगे और लोगों में यह भय रहे कि अगर तमंचा रखेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी और उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। तो इसके तहत सभी जनपद लगातार अनवरत इस अभियान को कर रहे हैं। सर तमाम इसमें बरामदगी हुई है जी, देखिए ये तो लगातार अभियान चलाने वाली बात है क्योंकि क्षेत्र सिर्फ हमारा नहीं है, तमंचा कई सबसे ज़्यादा जो अभी तमंचे आने की बात आ रही है वो बिहार बॉर्डर की तरफ से मुंगेर से बने हुए तमंचे सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, पूरी सप्लाई चेन है और वो उधर से वो सप्लाई करते रहेंगे, हम निरोधात्मक कार्रवाई करेंगे। ये कहना कि एकदम बंद हो जाएगा ये भी संभव नहीं है, बट इसको कम किया जा सकता है और इसमें कमी भी आई है ऐसा परिलक्षित भी हो रहा है।